लेकिन ये जितना ही बेसिक और आसान है उतना ही इफेक्टफुल भी है। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी तरह है हमारा तड़ासना। छोटा सा है, बेसिक है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये हमारे हाइट को इंक्रीज करता है, हमारे फोकस को इन्हेंस करता है, हमारे बैक पेन को बहुत हद तक रिलीफ पहुँचाता है, और सबसे बड़ी बात ये हमारे पोस्चर को ठीक करता है, जिससे हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो देर किस बात की, जिस इस छोटे से योगा का इतना सारा लाभ है उसे करना तो बनता है। तो बिना किसी देरी का एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरे साथ शुरू कीजिए तड़ासना। इसे करने के लिए सबसे पहले अब अपने दोनों पैरों के बीच कुछ दूरी बना लीजिए, कुछ इस तरह, जिससे आपको बैलेंस करने में सुविधा होगी। उसके बाद कुछ इस तरह से अपने हाथों को इंटरलॉक कीजिए और अपने सर पर लाइए। अब अपने हिल को ऊपर करते हुए अपना शरीर का पूरा वजन अपने पैरों को उंगलियों पर रखिए और इनहेल करते हुए अपने बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, कुछ इस तरह से। याद रखिए, इस स्थिति में आने के बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और ट्राई कीजिए सीधा रहने का। शुरुआती दौर में आप आपका बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। 10 से 12 सेकंड के बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। एक्सेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। तो किसी प्रकार का बैलेंस बनाने में अगर दिक्कत हो रही हो तो आप शुरुआती दौर में आप अपने घर के दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, अगर आपके घुटने में दर्द हो या घुटनों की सर्जरी हुई हो या फिर लो ब्लड प्रेशर है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस आसना को ना करें। इसी तरह मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ रेगुलर करते रहिए योगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते।